आज हम लोग मैं और जय जहांगीर ईरानी की शॉर्ट फिल्म है, बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म है जो कि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे है, और मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किरदार निभा रही हूँ जो एक सुसाइड प्लानर है जो लोगों को खुदकुशी करने में मदद करती है। सो या इन्होंने वैसे ही बता दिया है सब कुछ। बेसिकली मैं आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन एंड मैं काफ़ी सारे अटैम्प्ट करता हूँ एंड देन मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सो आई हायर प्रोफेशनल जो सुसाइड कराने में मदद करती है लोगों की। सो आई ये बिजनेस रोल है मेरा। हाँ मतलब थोड़ा सा ये है। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न है, थोड़ा सा इट्स लिटिल बिट डिफरेंट एंड इट्स माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड कुछ है इसलिए शायद मैं इसमें एंड स्वरा है इस फिल्म में। सो मैंने कहा कि यस डेफिनेटली मुझे फिर करनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्रेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार उस पर मेंटल हेल्थ के एक्ट भी पास कर रही है, करने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट में। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में भी बने ताकि हमारे समाज में लोग इस चीज़ के बारे में ओपनली बात कर सकें, क्योंकि आई थिंक कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे डिप्रेशन को लेकर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत शर्म की भावना महसूस करते हैं लोग। इसे किसी तरीके से यू नो एक ऐसी चीज़ माना जाता है जो छुपानी चाहिए, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि यू नो किसी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। या सो आई थिंक कि जहांगीर की जो ये फिल्म है और जिसे प्रज्ञा ने लिखा है वो एक बहुत ही एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देती है। उसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वियर्ड सा किरदार कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली फिल्म का जो मैसेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज है।